गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना। चीन के वुहान शहर में पैदा हुए इस कोरोना वायरस ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा के रख दिया है। इसने पूरे देश की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त था, वहीं तमाम इंडस्ट्री की हालत खराब होती दिख रही है। फिल्म इंडस्ट्री का हर काम 2 महीने से ठप पड़ा था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के सपोर्ट के बाद ये माना जा रहा है कि रुके हुए सभी फिल्म के प्रोडक्शन जल्द शुरू किए जाएंगे। जब लॉकडाउन खुलने के बाद आलिया भट्ट को ब्रह्मास्त्र, गंगूबाई, काठियावाड़ी और सड़क 2 तीन फिल्मों की शूटिंग के बीच अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि सड़क 2 की ज्यादातर शूटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई के बीच आलिया को वाकई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई दोनों ही फिल्मों में लगभग 3 हफ्तों का काम बचा हुआ है, जहां एक तरफ गंगूबाई काठियावाड़ी की टीम अपने एक्टर्स को 1 जुलाई से काम पर वापस बुला रही है। ऐसे में दोनों फिल्मों के डायरेक्टर्स को आलिया के साथ मिलकर ये तय करना होगा कि कौन सी फिल्म पहले पूरी होगी। माना जा रहा है कि आलिया पहले गंगूबाई की शूटिंग शुरू कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के लिए आयान मुखर्जी को भी काफी पैचअप वर्क करना है, जिसके लिए उन्हें सारे एक्टर्स के साथ एक बार फिर से डेट्स का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इस बीच जुलाई में आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का काम पूरा हो जाएगा और माना जा रहा है कि ये फिल्म रिलीज के लिए सबसे पहले तैयार होगी। इन्हीं सब डेट्स के चलते खबर है कि आलिया भट्ट SS राजामौली की फिल्म RRR में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अब आलिया के पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं बची। गोलमाल 5 खबर है कि रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 के लिए आलिया को अप्रोच किया जा रहा है। आलिया इतनी सीरियस फिल्मों के बीच कुछ हल्का फुल्का करना चाहती है और रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 बेहतर ऑप्शन फिलहाल उनके पास नहीं है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब से खुदकुशी की है, बॉलीवुड में हाहाकार मचा हुआ है और हर दिन कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। ऐसे में ऐसी किसी मूवी का लोगों को काफी इंतजार है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।